इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे हर साल मौसम सरमा यानी अधिवेशन या सेशन कहिए बेलगाम में रखा जाता था, पर जब से भाजपा इख्तदार पजीर हुई है अब इसे किसी न किसी बहाने बेंगलोर में ही रखा जा रहा है। और इस बार तो कोरोना के मद्देनजर बेलगाम के बजाय बेंगलोर में रखे जाने की बात भाजपा की जानिब से कही जा रही है। इसी बात पर विपक्ष यानी कांग्रेस और जनता दल की जानिब से मजाकिया अंदाज में ये भी तंज करते हुए देखा गया कि क्या कोरोना बेलगाम को पीछा करते हुए आता था? क्या साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने बेलगाम की अलीशान इमारत स्वर्ण सौदा पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, आखिर यहाँ क्यों नहीं रखा गया? लिहाजा बेंगलोर में भी 7 दिन की बजाय सिर्फ 4 ही दिन में अधिवेशन को खत्म किया गया। पर 4 दिनों में जो अहम बिल पास किए गए उसमें गोहत्या और लव जिहाद पर बिल पास किए गए। वैसे गोहत्या हो या लव जिहाद सिर्फ मखसूस माशरे को परेशान करने के लिए और अक्सरियत तबके को खुश करने के लिए किया गया, ऐसा भी कईयों का कहना और कुछ हद तक ये बात सही भी है कि गोहत्या और लव जिहाद किसी गरीब मजदूर किसान के जिंदगी का हिस्सा है ये नहीं। पर कुछ बातें यहाँ पर भी तवज्जो के काबिल है। अदालत कहती है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट हो या कर्नाटक हाई कोर्ट, दोनों का भी लव जिहाद पर कहना यह है कि अगर मर्द औरत बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो गैर कानूनी नहीं बल्कि मुल्क आईन दस्तूर इसकी बिल्कुल इजाजत देता है। किसी तीसरे का दखल भी यहाँ पर जुर्म साबित हो सकता है। लिहाजा भाजपा गोदी मीडिया या और संघी विचारधारा के साथ भाजपा आईटी सेल ने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए प्रोपोगंडा चलाया कि मुस्लिम समाज के नौजवान जानबूझकर साजिश के तहत हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फांस कर इसका धर्म परिवर्तन करते हैं। सच्चाई यह है कि ना तो इस्लाम या मुसलमानों में इसका कोई वजूद ही नहीं है। अब जब देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से मुस्लिम समाज मुस्लिम नौजवान को हमेशा कड़घरे में खड़ा किया जाए, उसी की यह कड़ी है। अब गोहत्या का मामला भी कुछ इस तरह का ही प्रोपोगंडा है। ऐसा किया गया कि मुस्लिम समाज में बड़े के गोश्त के नाम पर गाय का गोश्त खाते हैं, लिहाजा ये कानून लाने से इन्हें खौफजदा किया जाए। मॉब लिंचिंग भी इसी का एक हिस्सा है समझ लीजिए। पर यहाँ भी सच्चाई यही है कि जितने भी कसाई खाने हैं यहाँ पर गाय को जुबा किया जाता ही नहीं। दीगर जानवर जो कानूनी तौर पर जायज है इन्हें जुबा किया जाता है, पर अब प्रोपोगंडा पर ही हुकूमतों का दारोमदार है। अब अहम सवाल यह उठता है कि भारत से बीफ एक्सपोर्ट दिगर ममालिक को कौन करता है? कौन गाय को जुबा करता है? अगर नहीं किया जाता तो फिर कानून की जरूरत क्या है? वाजा रहे कि 1964 में ही गोहत्या कानून बना हुआ था, ये कोई नया कानून नहीं है। अगर आज भी अगर मान भी लिया जाए कि कसाई खानों में गोहत्या होती है तो पहले उन किसानों पर कार्रवाई हो जो कसाई खाने में ला कर देते हैं। अगर जानवर बूढ़ा हो जाए या किसी काम का नहीं रहता तो पहले इन्हें रखने का, इनकी देखभाल करने का इंतजाम करें। सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए वही पुराने कानूनों को दोबारा पास करके हम हिंदुओं के मसीहा है साबित करने की कोशिश आखिर कितने बार करते रहेंगे? जानवरों को चारा नहीं मिलता, सूखा या दुष्काल आता है तो किसान पहले से ही परेशान रहते हैं। हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से जानवरों की देखभाल इनसे नहीं होती, आखिर ये कसाई खानों में बेचना पड़ता है। जिनकी जितनी हुकूमत इंतजामिया कसाई खानों में जानवर जाने के बाद मुस्तैद और चौकन्ना होती है पहले क्यों नहीं होती? ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है कि अक्सर और बेशतर सभी किसान जो कसाई खानों में लाकर बेच देते हैं गैर मुस्लिम ही होते हैं, पर इन पर कभी कार्रवाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सियासी मुफाद हासिल करने की बजाय यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्हें नुकसान हो सकता है। लिहाजा कसाई खाने में जानवर पहुँचने के बाद या गोश्त को गाड़ी के जरिए दूसरी जगह पहुंचाने के वक्त हिंदुत्ववादी तंजीमें हुकूमतें सड़कों पर गाड़ियां पकड़कर जला देती है। कार्रवाई तो पहले होनी थी। इस मामले में और भी आगे बढ़ते हैं तो यहां भी आपको मुसलमान नजर नहीं आएंगे, पर कार्रवाई और इल्जाम तो बिचारे मुसलमानों पर ही, आधा किलो गोश्त खाने पर या खरीदने पर ही होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इसी मोदी हुकूमत में बना हुआ है, तकरीबन सभी के मालिक हिंदू है। कहने का मतलब ये है कि करोड़ों रुपये बीफ के जरिए कमाए कोई और बदनाम, लेकिन हमेशा मुसलमान होता रहता है। 100 रुपये का गोश्त खाकर मुसलमानों को कड़घरे में खड़ा किया जाता है, पर अरबों खरबों की कमाई करने वाले देशभक्त बने बैठे होते हैं क्योंकि करोड़ों का चंदा भी इन्हीं से हासिल होता है।
इन्होंने नाम भी ऐसे रखे हुए हैं कि वो मुस्लिम ही लगते हैं। इनमें से सिर्फ चार की ही मिसाल देता हूं, वैसे तो छोटे बड़े कई सारे जो गैर मुस्लिम है इस कारोबार में मुलविस है। आपको यकीन ना आए तो जो नाम बता रहा हूं गूगल पर चेक करके देख भी सकते हैं। अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक का नाम है सतीश और अतुल सबरवाल, पता है चेंबूर मुंबई। दूसरा अरेबियन एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक का नाम है सुनील कुमार, ये भी मुंबई का रहने वाला है। तीसरा है MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मालिक का नाम है मदन अबॉट, नई दिल्ली का रहने वाला है। PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मालिक का नाम है AS बिंद्रा, चंडीगढ़ पंजाब का रहने वाला है। सवाल तो यह भी उठाना जायज बनता है कि अरबों खरबों की कमाई करने वालों पर कार्रवाई होगी या सिर्फ आधा किलो बड़े का गोश्त खाने वाले पर ही कार्रवाई होगी। कानून में कोई एक्सपोर्टर्स पर भी पाबंदी लगाने का कोई प्राविधान बना हुआ है या सिर्फ चुनाव के मद्देनजर अंधभक्तों को खुश करने के लिए बनाया जा रहा है। वैसे भी बेलगाम और रियासत के मुख्तलिफ जगहों पर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शंस भी होने और बाद में कॉरपोरेशन चुनाव भी होंगे। अब बिल पास करके कहा जाएगा कि भाजपा ने राम मंदिर से लेकर ट्रिपल तलाक, NRC, लव जिहाद, गो हत्या सभी कानूनों को मंजूर किया है, अब हमें वोट दो, लिहाजा वोट हासिल करने में कामयाब भी हो रहे। पर भारत के बाशहूर शहरियों को सोचना होगा कि लव जिहाद या गो हत्या हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यकीनन किसी मजहबी जज्बात को मजरूह करना जुर्म है और वाकई गाय की हत्या की जा रही है तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। गो हत्या के नाम पर किसी मजलूम माशरे पर जुल्म करके सिर्फ वोटों को हासिल करना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के कानून को लागू कर अक्सरियत माशरे को खुश करने की कोशिश की, पर क्या कभी योगी हुकूमत ने गौशाला में बिना चारे के सैकड़ों जानवरों की मौत पर नजर डाली है? लिहाजा धर्म जात पात नफरत की सियासत से ऊपर उठकर देश को अगर तरक्की की राह पर ले जाना होगा तो वही पुराने वाली गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा करना होगा। किसान सड़कों पर है, कर्नाटक से भी किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। अडानी अंबानी के हाथों किसानों को बेचने का मंसूबा मोदी शाह योगी ने बना लिया है। देश में और भी दिगर मसाइल है पर इन्हें लव जिहाद और गोहत्या कानून ही अहम लगता है, क्योंकि भाजपा मोदी सरकार को मालूम है कि जज्बाती मसलों पर ही अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है और अवाम बन भी रही है। वक्त के पहले सभी को संभलना होगा वरना इसकी कीमत आने वाले दिनों में सभी को भुगतनी पड़ेगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।